हेलो एंड वेलकम। आज मैं एडोब फोटोशॉप में ब्लर टूल को बताने वाली हूँ। ये जो टूल बॉक्स है इसमें एक टूल है ब्लर, शार्पन और स्मार्ट, उसको ही बताने वाली हूँ, तीनों को बताने वाली हूँ। इसके लिए पहले एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। ये इमेज, एक इमेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट का कुछ मार्की ऑप्शन है, रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, इस तरह जो हमको पसंद हो। तो हम ये राउंडेड वाला इलिप्टिकल लिए हैं, तो इसको लेके हम थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्लर टूल यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन बार में हम लोग इसको बारी बारी से देख सकते हैं कि किसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरली नॉर्मल रखते हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ को हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा धुंधला करना रहेगा तो हम ज़्यादा बढ़ा देंगे और अगर कम करना पड़ेगा तो हम थोड़ा कम रखेंगे। इस तरह से हम किसी पिक्चर के किसी पोर्शन को ब्लर कर सकते हैं, यानी धुंधला कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर माउस लेके एक यहाँ पर ब्रश का साइज ले लिए हैं, माउस लेके यहाँ पर ड्रैग करते हैं, तो इसको खूब ड्रैग करते हैं और फिर देखते हैं बाकी पोर्शन से ये पोर्शन धुंधला बन रहा है, कैसा अस्पष्ट सा हो गया है, ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का ये इसका आउटलाइन तो पूरा एकदम धुंधला सा बन गया है। यह हो गया ब्लर टूल। कंट्रोल डी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये बाकी पोर्शन से ये धुंधला हो गया। अब दूसरा है शार्पन, उसके लिए फिर हम लोग थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ से हम लोग शार्पन को लेते हैं और इससे ये जितना शार्प है उससे भी ज्यादा शार्प हो गया। ये डार्केन लिए हैं, यहाँ पर नॉर्मल भी ले सकते हैं। नॉर्मल लेंगे तो ये इस तरह से, ये तो इस तरह से हम लोग इसको शार्प कर सकते हैं। कंट्रोल डी, डार्केन या लाइटेन, इस तरह से हम तरह तरह के यहाँ पर ऑप्शन है, वहां से हम लोग सिलेक्ट करके दे सकते हैं। ये लाइटन देंगे तो और भी, और डार्केन ये इस तरह से और चमकीला सा बन जाता है। और फिर हम देखते हैं तरह तरह के हम लोग यहाँ से ऑप्शन चुन के हमको जिस तरह की जरूरत है उस तरह का हम लोग कर सकते हैं। इसको यहाँ पर से ह्यू ले सकते हैं तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह का सब इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके बाद हम जाते हैं स्मार्ट, स्मार्ट के लिए फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके स्मार्ट टूल, इससे हम लोग इस तरह से जिस तरह से ड्रैग करेंगे उतना पोर्शन पूरा लिपा जाता है, मतलब स्मार्ट हो जाता है। मतलब ये जैसा था उस तरह का नहीं रह के पूरा इस तरह से कलर फैल जाता है। तो ये हो गया, लग रहा है कि पानी देके इसको लेप दिया गया है, इस पर पानी डाल के उस तरह से स्मार्ट में हो जाता है। तो ये हो गया मेरा ब्लर, फिर ये शार्पन और ये स्मार्ट। थैंक यू।